पानीपाग विभाग अनुजाई विपर्य पोरबंदर ठारु प्राय 290 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम एवं जाकाओ बंदर 360 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिगरे जून 13, 2023 उत्तर पूर्व एवं यार पूर्व आरब सागर ध्यान दिया जहां वर्तमान द्रुत गति से अग्रगति करुछि। आरब सागर में विकसित होता साइक्लोनिक झड़ विपर्य शीघ्र भारत उपकूलवर्ती अंचल ताड़ को गति करुछि। आरब सागर गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्णाटक केरल सहित थिबा समस्त राज्य रे यार प्रभाव देखाइबा आरंभ करिछि। प्रथमे केरल कर्णाटक एवं गोवा परे महाराष्ट्र रो मुंबई समेत अनेक शहर रे वर्षा एवं उच्च वेग रे झड़ पवन प्रभावित हेबारे लागिछि। गुजरात और सौराष्ट्र एवं कोच उपकूल रे मध्य प्रबल पवन प्रभावित होउछि। जामनगर एवं मुंबई रे उच्च ज्वार देखिबा खुलुछि। समुद्र रे उच्च तरंग उठुछि। एहा को ध्यान रखी एही राज्य गुडीकर उपकूलवर्ती अंचल रे एक उच्च सतर्क सूचना जारी करा जाइछि। एथे सहित एहार प्रभाव राजस्थान रो केतेक अंचल रे वर्षा आकार रे मध्य देखिबा खुलि। साइक्लोनिक झड़ विपर्य अग्रगति कलाबले पवनर बेग वृद्धि पाइब। एही कारणरु गच्छगुड़िक उपुड़ीबा एवं विद्युत एवं फोन लाइन नष्ट होबार संभावना रहिछि। एथिसहित निम्नमानर अंचल रे रहुथबा लोकंकु निरापद स्थानक पठा जाउछि। पाणिपाग विभागर सूचना अनुसार विपर्य उत्तर पूर्व एवं एहार पूर्व आरब सागर को 290 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम एवं पोरबंदर एवं 360 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिगरे जाकाओ बंदर 1323 जून 2030 अवस्थित जहाँ वर्तमान आगक जाइए। आईएमडी अनुजाई जून 15 विपर्य स्वराष्ट्र एवं कोच उपकूलवर्ती अंचल दे जाइपे। पाणिपाग विभाग पूर्वानुमान अनुजाई स्कायमेट महाभा परबंदर ओखा दीव सोमनाथ जामनगर द्वारका इत्यादि एवं भुज मांडवी नालिया इत्यादि उपकूलवर्ती अंचल प्रबल वर्षा होपे। आसतु आपंक कह गुजरात एवं राजस्थान साधारणत जून प्रथम 40 दिन में उत्ताप एवं किछि धूली झड़ देखाए। राज्य में बहुत कम वर्षा होणु यह वर्षा को अजौक्तिक्त वर्षा कह जाए। आईएमडी पूर्वानुमान कर जून 15 तारीख संध्या सुधा यह झड़ जाकुआ बंदर निकट में स्वराष्ट्र और कूच पार हो पारे उपकूलवर्ती अंचलगुड़ी को धक्का देवार संभावना को दृष्टि रखी गुजरात सरकार उपकूलवर्ती अंचल एनडीआरएफ एवं एसटीआरएफ टीम नियोजित करुछन्ते। एथसहित संभाव्य प्रभावित राज्य गुड़िकर निम्नमानर अंचल रोकवा लोकंक एक निरापद स्थान को नियाजाउछि। या सहित समुद्र निकट में नजबाक परामर्श दिया जाइछि। रिपोर्ट एनके न्यूज ओडिसा।